श्री गंगानगर से खबर है जहां हथियारों के साथ घर में घुसाए बदमाश। जी हां, पिस्तौल और चाकू लेकर घर में पांच बदमाश एक साथ घुसाए। मौके पर मौजूद लोगों ने तीन बदमाशों को पकड़ा और दो बदमाश मौके से फरार हो गए। वार्डवासियों ने लुटेरों को पुलिस के यहां पर हवाले कर दिया है। डी ब्लॉक वकीलों वाली डिग्गी के पास की पूरी घटना फिलहाल बताई जा रही है। श्री गंगानगर से आपको खबर बता रहे हैं, पांच हथियारों के साथ में यहां पर लोग एक घर में घुस गए, जहां पर मौके पर मौजूद लोगों ने तीन लोगों को तो पकड़ लिया हथियारों के साथ में, लेकिन दो जो आरोपी थे वो मौके से फरार होने में कामयाब हुए। लूट की नियत से ये दाखिल हुए थे उस घर में, बताया जा रहा है पिस्टल्स और चाकू लेकर के लूट की नियत से उस घर में ये दाखिल हुए। श्रीगंगानगर से आपको खबर बता रहे हैं, वार्डवासियों ने लुटेरों को पुलिस के अभी हवाले कर दिया है। हालांकि दो लुटेरे इनमें से भागने में कामयाब रहे। डी ब्लॉक वकीलों वाली डिग्गी के पास की पूरी घटना और दिन दहाड़े यहां पर लूटपाट की कोशिश की गई है। लुटेरों ने घर में घुसकर पिस्टल की नोक पर लूट करने की यहां पर कोशिश की, लेकिन वार्डवासियों की सतर्कता कहें और जनता की सतर्कता के चलते तीनों को उसमें से पकड़ लिया गया है। दो लोग हालांकि भागने में फरार हुए, जिनकी फिलहाल पुलिस तलाश में जुट चुकी है। दिन दहाड़े यहां पर लूट का प्रयास किया गया। लुटेरों ने घर में घुसकर पिस्टल की नोक पर लूट का यहां पर प्रयास किया। श्री गंगानगर से आपको खबर बता रहे हैं, एक घर में घुसकर पांच लोगों ने हथियार की नोक पर लूट का यहां पर पूरा प्लान बनाया। जनता की सतर्कता के चलते, वार्डवासियों की सतर्कता के चलते, घर वालों की सतर्कता के चलते उनमें से तीन मुजरिमों को पकड़ लिया गया, लेकिन दो जो बदमाश थे वो भाग छूटने में सफल रहे। लोगों ने उसे पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले फिलहाल कर दिया गया है। उनके पास से पिस्टल्स और चाकू जैसे धारदार हथियार भी बरामद किए गए। फिलहाल जो पुलिस है वो बाकी के दो आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता कमलदीप इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलदीप, एक बेहद बड़ी यहां पर वारदात को होते होते रोक लिया गया। लूट की नियत से घुसे थे आरोपी उस घर के अंदर, लेकिन नाकामयाब रहे। क्या ये पूरी घटना रही, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? जी, जैसी मैं बता दूं आपको की आज सुबह ही करीब 11:30 बजे श्री गंगानगर शहर के डी ब्लॉक के अंदर एक पूर्व पार्षद का घर था, घर के सेकंड फ्लोर पे पांच बदमाश आए, जिसमें से तीन बदमाश जो ऊपर छत पर गए और उन्होंने चाकू और पिस्तौल की नोक पर जो लोगों से वहां जो पूर्व पार्षद का जो घर था उनकी महिला से उन्होंने जेवरात और नकदी लूटकर वहां से भागने लगे। जैसे ही वो भागे, लोगों आसपास के लोगों ने उनको पकड़ लिया और पकड़कर उनको दबोच के और पुलिस के हवाले कर। जी कमलदीप, बताया जा रहा है कि पांच ये लोग थे कुल संख्या में, तीन लोगों को इनमें से पकड़ लिया गया, लेकिन दो जो बदमाश थे वो भाग जाने में सफल रहे। फिलहाल पुलिस के द्वारा क्या अपडेट मिल पा रही है उनके बारे में? जी देखिए, जब घर के लोगों ने शोर मचाया और लोगों ने उनको पकड़ा तो उनमें से दो बदमाशों को जब पता चला कि भीड़ इकट्ठी हो रही है तो वो वहां से भागकर नाकाम रहे। इसके बाद मौके पे सीओसीटी इस्माइल खान और कोतवाल वहां पर पहुंचे और उन्होंने पूरे शहर को नाकाबंदी कर दिया। फिलहाल अभी तलाश जारी है उनकी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया कमलदीप।